14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया गया था और 6 सितंबर को पाकिस्तान बचाया गया। देख रहा है विनोद, पाक फौज के शेरदिल जवानों और गयूर कौम ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूल पाएगा। बातें कर रही है ये लोमड़ी भारत से जंग की और खाने को मिलती नहीं इनको दो टाइम की रोटियां। 200 रुपए आटा कर दिया इन्होंने, चीनी 200 रुपए कर, कहां से ले। जो 9 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है, जो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, इस मुल्क के बाशिंदे, लेकिन उनके पास खाने को सर रोटी तक नहीं है। आपके पास है क्या जुबान चलाने के अलावा? इल्म आपके पास नहीं है, सुनते जाइए। अकल आपके पास नहीं है, सुनते जाइए। टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, सुनते जाइए। जिद्दत आपके पास नहीं है, सुनते जाइए। तो आपके पास है क्या? आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इन इस उंगली के। मुझे गोली मार दे। क्यों? क्या हुई? मैं इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। बिजली के बिल देखकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके, खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन और ये करेंगे जंग। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आईन नहीं है। अरे वाह, पाकिस्तान का आईन उड़ चुका है। क्या बात कर रहा है? हुक्मरान जो है मजदूरों की मराद के लिए लच्छेदार बयान जारी करते हैं। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो, लेकिन इससे आगे अमली तौर पे प्रैक्टिकली करते कुछ नहीं। अजी, गुजरावाला में भी चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो आम आदमी का एनर्जी ड्रिंक है चाय, उसकी फी प्याली की कीमत में भी 20 रुपए इजाफा हो चुका है। तो आई नीड योर हेल्प। 9 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। इस बात की उनको 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से ले, कुछ नहीं कर, कुछ करना भी नहीं बेटा इन्होंने। बहुत महंगाई है, मजबूर हो गया, गरीब क्या करे, चाय पीने से भी आवाज़दार हो गया। ये हुकूमत ने तो चाय पीना भी दुश्वारी कर दिया हमारे लिए। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब जीने का हक ही छीन लिया, बम गिरा के एक दफा हमें क्यों नहीं है मार दे। गरीबों को मार दे, मार तो रहे हैं। कितनी कुर्बानी आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या कुर्बानी देने के अलावा? अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। अच्छा बात नहीं है। अब ये रोशनियों का शहर नहीं रहा है, बेकार है भैया, क्योंकि जराइम के अंधेरों में डूबा हुआ शहर बनता जा रहा है। मैं तो टूट गया। ये मौशी हब है, लेकिन इससे ज्यादा ये स्ट्रीट क्राइम्स का हब बन चुका है। और ओवरऑल अगर सुबह सिंध की बात करूं तो हालात अंधेर नगरी चौपट राज वाले हैं। फिजा खलीफा कन्वर्ट होने का क्या फायदा हुआ तुमको? आज भी दोहे मुहावरे हमारे बोलने पड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हिंदुस्तान का मुहावरा है, हिंदुओं का मुहावरा है। हलवा पकाए, ये भी बोल रही थी घर का भेदी लंका डाय। वो वीडियो मिलेगा तो जरूर लगाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है जी। एक टेंशन फ्री था, ये चाय पी रहे थे, इससे टेंशन दूर हो जाती थी, उससे भी हम गए। गरीब आदमी तो चाय पी के अपनी टेंशन दूर करता है, वो भी नहीं अब कर सकता है। अब क्या बनेगा इस मुल्क का? हलवा हलवा हलवा। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं ना, उनके आर्मी चीफ का काम होता है अपनी सरहदों की रक्षा करना, अपनी सीमाओं का बचाव करना और दुश्मन पे नजर रखना। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का क्या काम है? पाकिस्तान की आर्मी का काम है ताजिरों यानी कि बिजनेसमैनों को जमा करना और पाकिस्तान के बिजनेस को ग्रो करवाना। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग देना। ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉसिबल है। क्यों नहीं फिजा? पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता दिनों ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं। सरमायाकारों से आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ अमूर पर बराहे रास्त बातचीत की है। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फौज करप्शन करने वालों के पीछे जाएगी। वो कहते हैं ना कि तोता जना बाजे गना, पाकिस्तानी चांद पे जा रहे हैं, इन्होंने पूरे मुल्क में हवा मचा दिया कि जैसे ये अपनी जमीन से अपने ही रॉकेट के अंदर और अपने ही प्रोग्राम के अंदर अपने साइंटिस्टों की अचीवमेंट के ऊपर ये चांद के ऊपर जा रहे हो, और भले ये फेल हो जाते वो एक अलग चीज थी, लेकिन चाइना ये सब कुछ कर रहा है, वहां पर अपना छोटा सा सैटेलाइट उसमें घुसेड़ दिया, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने भारत को चिढ़ा रहे। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आज? अगर आप मेरे कमेंट जाके पढ़ो ना कल वाले वीडियो पे, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आए हुए हैं, कह रहे हैं क्यों भाई,
पाकिस्तानियों सूजी है सूजी बताओ तो पाकिस्तानियों मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, तुमने जो भेजा है ना हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रोज बनाते हैं, और कॉलेज तो छोड़ो दसवीं बारहवीं के बच्चे बना देते हैं। और नहीं तो क्या, और तुम्हारा इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो चांद पे जाएगा भी नहीं, उसको तो बीच रास्ते में फेंक देगा चाइना, दो चार फोटो वोटो खींचेगा, अगर वो खींच गई तो समझ लेना कि तुम्हारा काम बन गया, नहीं तो जलील तो तुमने होना ही होना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ज्यादा बोला मत करो, और चांद पे जाने के सपने तो देखना छोड़ दो तुम, तुम्हारी आवाम को पहले चाय तो पिला दो, चीनी महंगी हो गई है, चाय पत्ती महंगी हो गई, उनको सस्ता नशा था, सस्ता एनर्जी ड्रिंक है पाकिस्तानियों का, वो भी खत्म करवा दिया तुमने, आटा तो बहुत दूर की बात है, आटे के लिए तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, बिजली के बिल के लिए सुसाइड कर रहे हैं, और ये खुशियां मना रहे चांद पे जाने की, और चिड़ा किसको रहे, हिंदुस्तानियों को। अबे तुम हिंदुस्तान के आगे ना, हिंदुस्तानियों के आगे तुम लेटे हुए हो, हम खड़े हुए हो तो तुम लेटे हुए हो, हमारी तुमसे टक्कर ही नहीं है, हमारा तुम्हारा लेवल ही नहीं है, अगर हमारी किसी के साथ टक्कर है और कॉम्पिटिशन है तो वो चाइना के साथ में है, और हम उसको कम्प्लीट करने में लगे हुए हैं, और ये आज भी हमारे को कम्प्लीट करने में लगे हुए हैं, और उसमें भी ये फेल है, फेल। मुझे दिल से तकलीफ होती। खैर पाकिस्तानियों का लेटेस्ट दर्द दिल जानते हैं, समझते हैं इनके हालात क्यों ये इतने बड़ बोले, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, अभी अगर हमारे पास अपने खाने का नहीं होगा तो आवाम को तो कोई कंसर्न नहीं है, रह गया कश्मीर के साथ फलस्तीन के साथ, तो आवाम जिस बंदे के घर की रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्यों इन टॉपिक पे इंटरेस्ट लेगा या गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए जो पब्लिक की जो आवाज़ है ना वो है कि उन्हें दो वक्त की रोटी मिले, उन्हें रोजगार मिले, इन्फ्लेशन कम हो। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी हम आए दिन सुनते हैं कि हमें वीट गंदम यानी के इम्पोर्ट करनी पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये जो बात की है ना गंदम की, गंदम में तो हम खुद कफील है। अच्छा, ज़राअत में। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जानिब गंदम की जो सरकारी खरीदारी है वो ना होने पर किसान जो है आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। हमारे जो है जो गवर्नमेंट का फोकस है इंटरनेशनल इश्यूज में ज्यादा है, ठीक है, उनका जो झुकाव है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ज्यादा है, हमें ना अपने रीजन पे फोकस करना चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया में उनकी ग्रोथ कैसी, उनके जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे, पाकिस्तान को भी अपनी कंट्री के अंदर ईज लानी चाहिए कि ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इन्फ्लेशन कम हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। बाहर से इसलिए मंगवाते हैं कि पाकिस्तान की गंदम जो है ना वो इसको जो यहाँ के चौधरी हैं, मिल ओनर हैं, सियासतदान हैं, उनमें भी उनके बंदे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके बंदे होते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो है ना ये नहीं चाहते। हाँ भाई हाँ। अगर इंडिया किसी फॉरेन फॉर्म पे जाता है और वो बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है और मानती है। सर उनकी पावर या उनकी क़यादत में इतना दम कैसे है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी उन्हें नहीं रोक पाती? उनकी पॉलिसी है। अच्छा, तो उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आयन है, कोई कानून है? तो हमारा भी तो आयन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार, कायदे आजम ने जो आयन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आईन नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पाकिस्तान का आईन उड़ चुका है। राधे राधे राधे। पाकिस्तान का जो नौजवान है निहायत अफसरदा, टूटा हुआ दिल और हाईली डिसअपॉइंटेड क्यों है? हमारे हुक्मरानों की वजह से। हुक्मरान जो है मजदूरों की मराद के लिए लच्छेदार बयान जारी करते हैं लेकिन इससे आगे अमली तौर पे प्रैक्टिकली करते कुछ नहीं। हमारे किस्मत में सारे छोर लिखे हुए हैं। अब आप देख लें के 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए, आए दिन जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर हादसात होते हैं। इमरान खान कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं है जिसको फील बंदे ने किया कि यार ये अच्छा है। नहीं यार, अभी तक आया भी नहीं है ना आएगा। अगर मैं आया खुद, अगर मुझे कुछ कोई अचीव वो मिले मैं खुद भी चोरी करूंगा। ये पाकिस्तान का सबसे ईमानदार आदमी है। बंदे ने पहले बोल दिया अगर मैं पाकिस्तान का पीएम बना तो मैं सबसे पहले चोरी करूंगा। मैं सच कहता हूँ ऐसे आदमी को पाकिस्तान का पीएम बना दो ये फिर भी थोड़ा बहुत न्याल कर देगा। और जो वो चोर बैठे हुए हैं ना भिखारी कटोरा लेकर, वो कभी भी न्याल नहीं करने वाले पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम का खून चूसे जा रहे हैं खून। उम्मीद है बेहतरी की। उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हां जी। अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे। अच्छा, अपना
अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना करें, मेरी दुआ है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। ठीक है, तो आप पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया है। गुम हो गया है, मर गया है, खो गया है। वाह भाई वाह, चाचा का पाकिस्तान से दिल भर चुका है। और चाचा का बच चले ना तो अभी सारे पाकिस्तानियों को चाचा खुद उड़ा दे। चाचा को बस परमाणु बम का रिमोट मिल जाए। सुना है मैंने उसे रिमोट से चलता है, इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे ताने मत दे जाना भैया। खैर, आप लोगों में से किस किस की परमाणु बम पे एक्सपर्टीज है, आपकी एक्सपर्टीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मैं देखना चाहूंगा। और इन पाकिस्तानियों के साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मुझे जरूर थोड़ा सा लंबा करके बताइए, थोड़ा सा डिटेल से, ताकि मैं उस कहानी को वीडियो के अंदर एड कर सकूं। और हाँ, आपका नाम भी लूंगा। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, डेली मनोरंजन मिलता है यहाँ पर, वो भी मुफ्त में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई के लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।